खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड मसाले के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अक्षा वहीद अंसारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर बॉलीवुड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मसालेदार बॉलीवुड खबरों के साथ। सबसे पहले बात करें विवादों के बीच रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी की। तो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अदा शर्मा की मूवी द केरल स्टोरी की तो तमाम विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अदा शर्मा की एक्टिंग को खूब सराहना मिल रही है, साथ ही इसकी कहानी की तारीफ सोशल मीडिया पर भी जमकर की जा रही है। विवादों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी के कलेक्शन पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। खास बात तो यह है कि अदा शर्मा की मूवी द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन ताबड़तोड़ कमाई की है। इतना ही नहीं, जबरदस्त ओपनिंग के साथ द केरल स्टोरी साल की टॉप 5 ओपनर मूवीज में भी शामिल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदा शर्मा की मूवी द केरल स्टोरी ने पहले दिन 7.5 से 8 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग की है। बता दें कि अदा शर्मा की पिछली मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया था। वहीं विवादों से घिरी द केरल स्टोरी की कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईनॉक्स, सिनेपोलिस और PVR जैसे नेशनल चैनल्स में अदा शर्मा की द केरल स्टोरी ने करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई की है। अपनी इस बम्पर ओपनिंग के जरिए द केरल स्टोरी ने कई बॉलीवुड सितारों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बता दें कि द केरल स्टोरी के 8 करोड़ रुपए की कलेक्शन के साथ अदा शर्मा की मूवी ने अक्षय कुमार की सेल्फी और कार्तिक आर्यन की शहजादा जैसी मूवी को पछाड़ दिया है। यहाँ तक कि वरुण धवन की भेड़िया भी पहले दिन धमाकेदार कमाई नहीं कर पाई थी। अब बात करें 2023 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की स्टारर आदि पुरुष की। तो 9 मई 2023 को अपने वैश्विक ट्रेलर लॉन्च के साथ इतिहास रचने के लिए ये मूवी तैयार है। टीम ने मेगा लॉन्च की घोषणा करते हुए पैन इंडिया स्टार प्रभास अभिनेता एक नया पोस्टर जारी किया है। ओम राव द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार द्वारा निर्मित इस भव्य फिल्म में पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। टीम द्वारा जारी किए गए प्रत्येक झलक ने दर्शकों के बीच एक जबरदस्त उत्साह उत्पन्न कर दिया है और अब टीम ने एक शानदार ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है जिसे विश्व स्तर पर दिखाया जाएगा, क्योंकि इसे न केवल भारत में बल्कि 70 देशों में लॉन्च किया जाने वाला है, जो वास्तव में एक वैश्विक आयोजन होने का प्रतीक है। यह भव्य लॉन्च न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित एशिया और दक्षिण एशिया के क्षेत्र जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, अफ्रीका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस, मिस्र में भी यह महान कहानी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और उन्हें एडवेंचर, ड्रामा और एक्शन की दुनिया से रूबरू करवाएगी। आदिपुरुष ओम राव द्वारा निर्देशित टी सीरीज भूषण कुमार और कृष्णा कुमार, ओम राव, प्रसाद सुतार और रेट्रो फाइल्स के राजेश नायर, यूवी क्रिएशन के प्रसाद और वामी द्वारा निर्मित है और 16 जून 2023 को विश्व स्तर पर रिलीज की जाने वाली है। बात करें बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की तो पिछली फिल्म भोला ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, पर अब अजय देवगन को अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए काफी उम्मीद है। इसी बीच अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब 23 जून को सिनेमा घरों में नहीं रिलीज होगी और इसकी नई रिलीज डेट सामने आई है। इस तरह से अजय देवगन के फैंस को फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि अजय देवगन की फिल्म मैदान कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अजय देवगन की फिल्म मैदान की रिलीज डेट कई बार बदली जा चुकी है। अब एक बार फिर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव हुआ है। अजय देवगन की फिल्म मैदान अब 23 जून को ना रिलीज होकर 7 सितंबर यानी गुरुवार को सिनेमा घरों में आ जाएगी।
फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर से अजय देवगन के फैंस को निराशा जरूर होगी, क्योंकि फिल्म मैदान के लिए उनका इंतजार बहुत ही बढ़ता जा रहा है। आज की मसालेदार और मनोरंजक भरी बॉलीवुड अपडेट्स में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।